करण से झुलसकर विवाहिता की मौत, मचा कोहराम। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि श्रावस्ती जनपद के रत्नापुर निवासी विवाहिता सोमवार रात करण की चपेट में आ गई, इससे उसकी मौत हो गई। पिता की सूचना पर पहुंची सोनवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिंगा भेज दिया। बताते चले कि बहराइच के थाना खैरी घाट के रायपुर निवासी गोपाल सोनी पुत्र झब्बर ने 3 वर्ष पहले अपनी पुत्री मधु सोनी का विवाह सोनवा के रत्नापुर निवासी राहुल सोनी के साथ किया था। उसे 1 वर्ष की बेटी भी है। मधु सोमवार रात घर में खुले पड़े बिजली के तार के चपेट में आ गई। बिजली की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे गोपाल सोनी ने इसकी जानकारी सोनवा पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सोनवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिंगा भेज दिया। वहीं प्रभारी निरीक्षक सोनवा श्याम देव चौधरी का कहना है कि घटना के संबंध में सूचना मिली थी, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कसके कारण लग गया आपके लड़की? 32 लाख पल्ला में है, बत्ती उतरी ही है, वह कई साल के लड़की रही? 25 साल के। कहाँ के रहे वाले आप लोग? रायपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।